देखो प्यारे बच्चों, आज हम आपको साइंस का एक चैप्टर है आ जर्नी क्लास फिफ्थ का, और ये लिखा है आ जर्नी एक यात्रा। आ जर्नी मानी यात्रा, आ मानी एक, जर्नी मानी यात्रा, एक यात्रा। यात्रा हम किससे करते हैं? वाहनों से, व्हीकल से। किससे करते हैं? बस से, और कार से, मोटरसाइकिल से, टुक टुक से। इन चीजों से हम क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान जाते हैं। तो देखिए, उसमें जो ईंधन इस्तेमाल होता है, फ्यूल, क्या इस्तेमाल होता है? फ्यूल, फ्यूल, ईंधन, फ्यूल। ये लिखा है एफ यू ई एल, फ्यूल मानी होता है ईंधन, जिससे ये गाड़ियां चलती हैं। तो यह लिखा है सी एन जी, क्या लिखा है? सी एन जी। सी एन जी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एन से सी से होता है कंप्रेस्ड, एन से होता है नेचुरल, जी से होता है गैस। ये गैस क्या होती है? व्हीकल के अंदर डाली जाती है, यूज्ड इन व्हीकल, वाहन में डाली जाती है। ये डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, दो तरीके की गाड़ियां होती है, तो डीजल की होती है, एक होती है पेट्रोल की, उनमें दोनों में इस्तेमाल हो सकती है ये सीएनजी, दोनों गाड़ियों में इस्तेमाल। समझ में नहीं आया? एक तो देखो डीजल की गाड़ी होती है, एक होती है पेट्रोल की। ये दोनों चीजें महंगी है, कॉस्टली है। ये सीएनजी जो होती है ये सस्ती पड़ती है, ये सस्ती पड़ती है। जितने भी आपके ऑटो चल रहे हैं हरे रंग के होते हैं जो, उसमें सबने आप क्या बन लगवा ली, उन्होंने सीएनजी किट लगा ली है, कारों में भी लगी हुई है। ये सस्ती पड़ती है और इससे एयर पोल्यूशन नहीं होता जाता, प्रदूषण नहीं। और ये वाली होती है गाड़ियां, ये धुआं बहुत छोड़ती हैं, तो उसमें कार्बन वगैरह होता है, ये वातावरण में फैल जाता है, जिससे पोल्यूशन फैल जाता है और एयर यानी जहरीली हो जाती है। तो दोनों में इस्तेमाल होती है। ये लिखा है लेस पोल्यूशन, प्रदूषण इससे बहुत कम होता है। अब कंपोनेंट, इसमें क्या क्या चीज होती है ये पूछ सकते हैं पेपर में, कि ये किन किन चीजों से मिलकर बनी है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है मीथेन और एक होती है प्रोपेन। दो चीजें इसमें मिली होती है, मीथेन होती है और मीथेन गैस और प्रोपेन गैस, इनको मिलाकर सीएनजी को बनाया जाता है। गुड फॉर एनवायरमेंट, हमारे वातावरण के लिए हेल्दी है ये, नुकसानदायक नहीं है। अब इसकी क्वालिटी क्या है? सीएनजी गैस जो है कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। अच्छा, ऑडरलेस, कोई खुशबू नहीं होती इसकी, गंधहीन है, गंधहीन, जैसे सूंघने पर खुशबू नहीं आती है, और इसी तरीके से इसमें कोई कलर नहीं होता है। तीसरी बात, लाइटर देन एयर, हवा से क्या है ये हल्की होती है, लाइटर होती है। समझ में आया? तो अधिकतर गाड़ियों में अब यानी जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सस्ती है, कॉस्टली नहीं है। डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, ये इसकी कंपेरिजन में सस्ती पड़ती है और एयर पोल्यूशन भी नहीं फैलाती है, इसलिए अधिकतर लोग सीएनजी की किट अपनी अपनी गाड़ियों में लगा रहे हैं और कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर रहे हैं। सबको समझ में आ गया? ये दोबारा फिर समझ लो, लाइटर देन एयर, वायु से हल्की है सीएनजी, कलरलेस, रंगहीन है, ऑडरलेस, गंधहीन है, कोई यानी इसकी गंध नहीं आती है। इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे पेपर में सीएनजी की, तो बताएंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कहां पर होती है इस्तेमाल, यूज्ड इन व्हीकल, वाहनों में, गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, वाहन मतलब गाड़ियां, और डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों गाड़ियों में हम यानी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस पोल्यूशन, वायु प्रदूषण इससे कम होता है। कंपोनेंट किस किस से मिलके बनी है ये भी पूछ सकते हैं, मीथेन और प्रोपेन। गुड फॉर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट के लिए बेहतर होती है, इसलिए बेटर देन दिस एंड दिस। Thank you very much.